पचौर की है। यहाँ के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर मोर्चा खोल रखा है। हत्या और बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले 8 दिन से कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एक महिला परिवार के साथ धरने पर बैठी है और ये महिला अपने पति की हत्या को लेकर जाँच की मांग कर रही है। पीड़ित के मुताबिक पति की हत्या करने वाला आरोपी लंबे समय से डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार कर रहा था और विरोध करने पर आरोपी ने उसके पति की हत्या कर दी। मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया। जरा सोचिए, जिस डॉक्टर की आपने राह देखी हो, धरती का भगवान मानकर जिससे अपना इलाज कराया हो, वो अगर नकली निकले तो आप पर क्या गुजरेगी? चौंकिए मत, सवाल हाइपोथेटिकल नहीं है। राजधानी के जयपुरिया अस्पताल में ऐसा हुआ है। डॉक्टर साहब की असलियत जान, हलक में आई मरीजों की जान, वायरल वीडियो ने खोली पोल, जयपुरिया अस्पताल में इतना बड़ा झोल। अब जैसे वार्ड बॉय का काम वार्ड बॉय करेगा, पेशेंट को शिफ्ट करना ही करना, तो ऐसा नहीं है। और अब मेरे को तो कल ही पता चला है, तो तभी फिर हमने उसके बाद फिर उसको ड्राइवर को अभी हटा दिया है। जयपुरी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल को सफाई देते नहीं बन रहा। दरअसल गले में स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर साहब का ड्राइवर इमरजेंसी में भर्ती मरीजों को इंजेक्शन लगा रहा था। किसी ने उसका वीडियो बना लिया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। जब अस्पताल अधीक्षक से पूछा गया तो जवाब देते हलक सूखने लगा। एक इंक्वायरी कमेटी के लिए मैं अभी थिएटर में था सुबह से, तो अभी टाइम का नहीं है। इंक्वायरी कमेटी के लिए मैंने रखा है कि जो भी अगर दोषी होगा, अगर वो ड्राइवर ऐसे उसने किया है तो गलत ही है। मामला खुला तो जयपुरी अस्पताल के अधीक्षक ने आनन फानन में कमेटी बना दी। जिस तस्वीर पर इतना बवाल मचा है वो इमरजेंसी वार्ड का है, जहां ड्राइवर मंझे हुए चिकित्सा कर्मी की तरह मरीजों को इंजेक्शन लगा रहा था। बॉडी लैंग्वेज ऐसी कि अच्छे अच्छे गच्चा खा जाए। बात इंजेक्शन लगाने तक सीमित रहती तो भी शायद गनीमत थी। खबर है कि ड्राइवर वार्ड में राउंड लगाता था, इलाज करता था। न्यूज 18 संवाददाता ने जब अधीक्षक को बताया कि उनके ड्राइवर नाहर सिंह की हरकत से हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी परेशान थे, तो सुनिए डॉक्टर महेश मंगल ने क्या कहा। आपका ड्राइवर है इसलिए आते, वो यहाँ पे थोड़ा सा धमकाता था, ऐसा नहीं होता, दवाइयाँ भी बांटता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई अपन यूँ तो किसी के लिए कुछ भी एलिगेशन के बात करें कि भाई मेरा ड्राइवर है तो इसका मतलब थोड़ी कि वो दादागिरी करेगा। काम तो इंसान की तरह से ही काम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। खबर तो ये भी है कि ड्राइवर नाहर सिंह कई बार जयपुरी अस्पताल से मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती करवा चुका है। जिस अस्पताल में अधीक्षक का ड्राइवर मरीजों को दवाएं लिखता हो, वार्ड में राउंड लगाता हो, इंजेक्शन लगाता हो, ड्रिप बदलता हो, उस अस्पताल के बारे में कुछ कहने सुनने की गुंजाइश कहां बचती है? इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब अस्पताल प्रशासन इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस ड्राइवर को इंजेक्शन लगाते वक्त किसी ने रोका क्यों नहीं? क्या इस पूरे मामले में अधीक्षक की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्यूज 18 राजस्थान ये बड़े सवाल खड़े करता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बाड़मेर में बच्चों को मरने के लिए फेंकने का सिलसिला लगातार जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जहां पर मां की ममता को शर्मसार कर देगा ये। बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन के डिब्बे में रोता हुआ नवजात शिशु मिला है, जिसको बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है। ये रिपोर्ट देखिए।